नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे टेक्नोलॉजी इमिटेशन गैप थ्योरी के बारे में और साथ में उसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट क्या होता है, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है। हालांकि सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट का ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पहले से बना के रखा है, जो कि हम लोग को बिजनेस इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग उसमें भी आप लोग सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेक्नोलॉजी इमिटेशन गैप थ्योरी के बारे में। अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी इमिटेशन गैप थ्योरी, द कंट्री विच इज रिच इन पर कैपिटा इनकम, दैट इज द कंट्री विच कैन हैव मोर इनकम एंड रिच इन कैपिटल, विल इन्वेस्ट हायर अमाउंट ऑफ फंड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, सिंस दे इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। टेक्नोलॉजी इमिटेशन गैप थ्योरी में क्या बताया गया है कि ये एक ऐसे कंट्री से बिलोंग करता है जो कंट्री सबसे ज़्यादा रिच होता है, जिसका पर कैपिटा इनकम अच्छा होता है। तो वो कंट्रीज़ क्या करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी पे, नए नए डेवलपमेंट पे रिसर्च करते हैं अलग अलग एक्टिविटी से, और उन रिसर्च में ह्यूज अमाउंट जो लगता है वो इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि उनका इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिनके कारण वो ह्यूज अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई टाइम पे ऐसे भी बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं जिनके पास ह्यूज अमाउंट नहीं होता है अपने टेक्नोलॉजी को और अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए, इसलिए कई कंट्री के लिए ये इम्पॉसिबल सा भी होता है कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में प्रोवाइड कर सकें। और जो कंपनीज़ जो कंट्रीज़ जो रिच होते हैं वो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं, रिसर्च कर आते हैं, और जिनके कारण उनका प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है और मार्केट में भी उनका अच्छा डिमांड होता है, और जिनसे उनका बिजनेस भी आगे बढ़ता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक तो देख लेते हैं। एट फर्स्ट फ्यू फर्म्स यूजेस द टेक्नोलॉजी एंड सेल देयर प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट। सबसे पहले कुछ फर्म्स जो है, कुछ कंपनीज कुछ टेक्नोलॉजी के साथ अपना प्रोडक्ट को सेल करने का कोशिश करते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट यानी कि लोकल मार्केट में। कुछ समय के बाद कुछ नया फर्म उस मार्केट में इन्वॉल्व होता है, कि जैसे कि इंडिया में कोई इंडियन कंपनी काम कर रहा है तो उसके लिए ये डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया। अब कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करना चाह रहा है सेम प्रोडक्ट के साथ, तो उस समय क्या हो जा रहा है, वो कंपनी फॉरेन मार्केट कहलाता है, कि वो कंपनी के लिए हमारा इंडिया का जो मार्केट है डोमेस्टिक मार्केट जो है वो फॉरेन मार्केट में बदल जाता है। और वो क्या ट्राई करता है, जब कोई नया कंपनी इंडिया में आ रहा है या फिर इंडिया का कोई कंपनी दूसरी जगह में जा रहा है, तो इम्पोर्टिंग का और प्रोडक्ट अच्छा बनाने का उन पर प्रेशर रहता है कि वो सही इम्पोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अच्छा डिमांड होगा या नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट को कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनका पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, वो लोग क्या करते हैं, हमारे देश में हमारे जैसे देश में आके रिसर्च करते हैं कि उनका प्रोडक्ट यहाँ पे किस तरीके से बिक रहा है, किस तरीके का डिमांड दे रहा है, और नया टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, जिससे कि हम लोग का भी कुछ हेल्प मिलता है, कुछ बेनिफिट्स मिल जाता है, कि हमारा देश हमारा कंट्री कुछ कदम कुछ साल आगे चलने लगता है, डेवलपिंग होने लगता है, डेवलप्ड होने लगता है। ठीक है, अभी जैसे कि इंडिया हम लोग का डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलप्ड कंट्री जैसे कि हम लोग जापान को बोल सकते हैं, वो बिल्कुल ही डेवलप्ड कंट्री है, वो और भी डेवलप होने की कोशिश कर रहा होता है। तो यही सब कारण होता है कि जब कोई फॉरेन कंट्री किसी दूसरे छोटे कंट्रीज में जाता है मार्केट करने, तो अपने साथ वो टेक्नोलॉजी लेकर जाता है, डेवलपमेंट लेकर जाता है, जिसके कारण उसको हेल्प मिलता है, उसका प्रोडक्ट और अच्छा बन जाता है और डिमांड भी बढ़ने लगता है और उसका बिजनेस और अच्छा होने लगता है, बिजनेस और बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही सब देखेंगे। एट फर्स्ट फ्यू फर्म्स यूजेस द टेक्नोलॉजी एंड सेल देयर प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट, आफ्टर सम टाइम न्यू फर्म्स आर एंटरिंग द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट, द कंट्रीज विच आर इम्पोर्टिंग दैट प्रोडक्ट वी मे ट्राई टू इमिटेट टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी।
एंड में इमिटेट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज टेक्नोलॉजी। और जो प्रोडक्शन प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज टेक्नोलॉजी। और उसी मेथड उसी प्रोडक्शन मेथड को हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसके कारण हम लोग जिसके वजह से हम लोग अच्छा प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसे लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों लोग हमें हमारे प्रोडक्ट हमसे खरीद रहे हैं। इट मे बी द केस दैट इम्पोर्टिंग कंट्री मे हैव सफिशेंट अमाउंट। लेकिन इसमें एक केस ये भी होता है कि जब कोई कंट्रीज जब कोई फॉरेन मार्केट से जब कोई डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट में जाता है तो उसको सफिशेंट अमाउंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है ताकि इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग में उसके जो खर्चे हैं जो फॉरेन मार्केट में ढुकने पे इन्वॉल्व होने पे कुछ खर्चे होते हैं तो वो सारे रिसोर्सेस को वो उस सारे रिसोर्सेस को वो कैपेबल रह पाए वो सारे रिसोर्स को वो यूज़ सही तरह से कर सके उसका प्रोडक्शन अच्छा हो सके पार्टिकुलर कमोडिटी अच्छा से यूज़ कर सके यूटिलाइज उसे कर सके उसे ही हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी। द इम्पोर्टिंग कंट्री में स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी एंड मे हैव बेटर डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इन इट्स डोमेस्टिक मार्केट। और जब इम्पोर्टिंग होता है किसी कंट्री का तो उसका एक ही स्पेशलाइजेशन होता है कि वो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उनका जो कमोडिटी हो रहा है वो एक अच्छा डिमांड वह हम लोग को दे पाए हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट दे पाए और उनका डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा से हम लोग इन्वॉल्व हो पाए और अच्छे से बिजनेस कर सकें। देयरफॉर द इम्पोर्टिंग कंट्री विल नॉट इम्पोर्ट द आइटम एंड द कंट्री फ्रॉम विच द आइटम वॉज इम्पोर्टेड में लॉस इट्स मोनोपोली पावर। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंट्री अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में भेज रहे होते तो उसमें इम्पोर्टिंग में टाइम लग जाता है या फिर इम्पोर्ट नहीं कर पाते उस कंट्री में अपने आइटम्स को अपने प्रोडक्ट्स को तो वहाँ पे एक मोनोपोली पावर के कारण या फिर वर्ल्ड मार्केट के कारण उनको लॉस का भी सामना देख करना पड़ता है। नाउ द कंट्रीज हु इमिटेट द टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू द अदर कंट्रीज और टू द कंट्री फ्रॉम विच इज इम्पोर्टेड गुड्स एट फर्स्ट एंड इमिटेट द टेक्नोलॉजी। लेकिन उनके लिए ये प्रॉफिट का समय भी होता है कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में पहले से उनका टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको यूटिलाइज करके अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे कंटिन्यू रह रहे हैं उनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट भी करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी अच्छा से करते हैं। तो ये होता है टेक्नोलॉजी इमिटेशन गैप थ्योरी। अब हम लोग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट्स हम लोग बांट सकते हैं कि दो डिफरेंट वर्ड्स हैं इन्वायरमेंट यानी कि हमारा परिवेश टेक्नोलॉजिकल यानी कि कुछ जो मशीन्स होते हैं मशीनरीज होते हैं टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशंस होते हैं हर चीज़ टेक्नोलॉजी होता है। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो वो भी किसी टेक के थ्रू देख रहे हो किसी हार्डवेयर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हो किसी सॉफ्टवेयर के यूज़ से देख रहे हो यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसका भी एक वो भी एक तरह का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से इन्वॉल्वड है। तो इसके थ्रू आप देख रहे हो तो टेक्नोलॉजिकल रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज। ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देता है उसके प्रोसेस को बताता है कि आप इसका यूज़ किस प्रोसेस के थ्रू करोगे किस एप्लीकेशन के थ्रू करोगे। टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन। ये एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है जो साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के साथ काम करता है जिनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है कि उस टास्क को उसे पूरा करना होता है। और ये मशीन भी यूज़ करते हैं और सॉफ्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसके कारण इनका बहुत सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है और इनका सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी है टेक्नोलॉजिकल बिजनेस के जिसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दैट इज़ वन कंट्री मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर। एग्जाम्पल एडवांस नेशन हैव कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड अदर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लाइक इंडिया। एक टेक्नोलॉजी इन कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री के लिए सुटेबल नहीं होता है कभी उसको हमेशा दूसरे कंट्री का यूज़ लेना पड़ता है हेल्प लेना पड़ता है। जैसे कि एडवांस नेशन कोई अगर किसी दूसरे कंट्री में आता है जिसका टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है उस कंट्री में जब वो अपना टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो वहाँ के लोगों को वहाँ के उस कंट्री के
लोगों को और उस कंट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है और डेवलपमेंट हम उन लोग को दिखता है कि और डेवलप्ड हो रहा है उनका कंट्री, बहुत कैपिटल पर कैपिटा इनकम में, उनका इनकम में भी डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है। तो ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि हम लोग इंडिया में देख सकते हैं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का कमी है, सभी को जानता है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में आके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि इंडिया को भी टेक्नोलॉजी मिल सके जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। देयर फोर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लोकेट्स देयर हाई टेक्नोलॉजी प्लांट इन डेवलपिंग कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट लेबर। और इसका मल्टीनेशनल कंपनी को एक और फायदा ये होता है कि जब वो अपना टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में या फिर किसी डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के लोगों का जो कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है, वो उनको कम मिलता है और वहाँ पे वो अच्छे तरीके से कम पैसे में अच्छा मुनाफा करते हैं। फिर आता है टाइम लॉग्स इन इंट्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, देयर इज ऑफर अ टाइम लॉग इन एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, द डेवलपिंग कंट्री यूज लॉग बिहाइंड द डेवलप्ड नेशन इन द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्लिरेटेड विथ ड्रास्टिक रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यू टू न्यू एंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइम्स लॉग में क्या होता है कि जब आपके कंट्री में कोई फॉरेन कंपनी आता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, नया नया टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा होता है, तो उस टेक्नोलॉजी को लाने और पहुंचाने में भी उनको कुछ चीज़ों का जरूरत पड़ता है। तो उनमें से एक चीज़ होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट लेट से बनेगा, प्रोडक्ट लेट से बनेगा तो बिजनेस थोड़ा स्लो चलेगा, बिजनेस स्लो चलेगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये सब एक साइकिल है। तो जब आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एक अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए, एक अच्छा डेवलप कंट्री बनाना है, डेवलपिंग कंट्री है उसको डेवलप कंट्री बनाना है, तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अच्छा रखना होता है, ग्लोबलाइजेशन रिलेशनशिप आपको अच्छा रखना पड़ता है, टेक्नोलॉजी आपको अच्छा रखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइसेंस एग्रीमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स इज द मेन चैनल फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन सफर इन द फॉलो ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज दे हैव टू पे हाई कॉस्ट फॉर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, दे बिकम टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन एडवांस नेशन, देयर फॉर रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी एसेसरीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो एक लाइसेंस, एक एग्रीमेंट के थ्रू आते हैं, एक जॉइंट वेंचर्स के थ्रू आते हैं, जिसमें उनका एक मेन चैनल ये होता है कि जब वो टेक्नोलॉजी कंट्री में लेकर आ रहे हैं, वहाँ के लोग जो पुराने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को सफ़र कर रहे होते हैं तो उनको उसमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन जब कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, कुछ नया डेवलप चीज आता है, तो उसके लिए उनको कम पैसे देने पड़ते हैं और इससे उनका भी लाभ होता है कि उनका बचत होता है और उनको सही सामान भी मिल रहा होता है। फिर अब आता है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है पहले से भी, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिजनेस इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर मेरे उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने उस सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा अभी के सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट को समझने के लिए। तो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग अ बिजनेस एंड इंक्लूड सोशल ट्रेडिशन वैल्यूज एंड बिलीफ्स लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन द एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड स्टेट ऑफ सोसाइटी द एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कन्फ्लिक्ट एंड कोहेंसिव्स ऑफ एंड सो फोर्थ। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये सोशल फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, ये सारे कलेक्शन को इंक्लूड करके आपके बिजनेस को इन्वायरमेंट में और अच्छा करने की कोशिश करता है, चाहे वो सोशल ट्रेडिशन हो, उसका कुछ वैल्यू हो उस ट्रेडिशन का, उस बिलीफ हो उस ट्रेडिशन का, कुछ लेबल लिटरेसी हो, एजुकेशन हो, इन सभी चीज़ों को वो हेल्प करता है आगे बढ़ाने में।
तो इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स एंड कल्चर वैल्यूज ऑन द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द बिलीफ्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी डिटरमाइन हाई इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंटर रिलेटेड. ये सारे पॉइंट्स, इन सारे डेफिनेशंस को आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. फिर द कोर beliefs of a particular society tends to be rigid. It is difficult for businesses to change these core values which become a determinant of its functioning. Some of the important factors and influences operating in this environment are as follows. तो यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि जो कोर बिलीफ्स होते हैं, जो हर पर्टिकुलर सोसाइटी के कोर बिलीफ्स होते हैं, तो उनके लिए बिजनेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. बिजनेस में चेंजेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, उनके वैल्यूज़ को चेंज करना डिफिकल्ट होता है. वो एक फंक्शनिंग के थ्रू होता है. तो इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोगों ने लिखे हैं. तो क्या क्या फैक्टर्स वो देखते हैं. तो सबसे पहले आता है सोशल कंसर्न सच एज द रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी. सोशल कंसर्न क्या है, वो एक बिजनेस रोल है सोसाइटी के लिए जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को, करप्शन को, यूज ऑफ मास को, मीडिया को, कंज्यूमरेंस देता है. ठीक है, अब आता है सोशल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज सच एज एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बिजनेस, सोशल कस्टम्स, बिलीफ्स, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, चेंजिंग लाइफस्टाइल पैटर्न्स एंड मटेरियलिज्म, फैमिली स्ट्रक्चर एंड द चार्जेस इन इट, एटीट्यूड टूवर्ड्स एंड विथ द फैमिली एंड फैमिली वैल्यूज, रोल ऑफ वोमेन इन सोसाइटी, पोजिशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स इन फैमिली एंड सोसाइटी, एजुकेशनल लेबल्स, अवेयरनेस एंड कंसिक्वेंसनेस ऑफ राइट्स एंड वर्क एथिक्स ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. इसे मैं नहीं समझाया क्योंकि ये बहुत इजी टर्म्स में लिखा हुआ है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में. ये वीडियो का लास्ट पॉइंट चल रहा है, वीडियो का लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लिस्ट पॉइंट है. इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोज आएंगे इसके ऊपर. कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चरल इज अ सेट ऑफ लर्न्ड केयर वैल्यूज, बिलीफ, स्टैंडर्ड्स, नॉलेज, मोरल लॉ एंड बिहेवियर सेट बाई इंडिविजुअल सोसाइटीज दैट डिटरमाइंड हाउ एन इंडिविजुअल एक्ट, फील्स, व्यू वन सेल्फ एंड अदर्स. Some important traits are dimensions of culture are low context and high context culture, masculine and feminine culture, monochronic and polychromic culture, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म कल्चर. अब ये कौन कौन से कल्चर है इनके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं. लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, इम्फोसिस टैंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ नेगोशिएशन सच एज फैक्ट्स, हायर परफॉर्मेंस. ये लोग क्या करते हैं, हायर परफॉर्मेंस को फैक्ट करके काम करते हैं एक टैंजिबल एस्पेक्ट्स के थ्रू. और ये इम्फेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, रिलीजन एटसेट्रा. ये लोग रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और उस कल्चर में काम करते हैं. फिर आता है मस्कुलिन एंड फेमिनिन कल्चर. मस्कुलिन कल्चर इज एप्रिसिएट्स एग्रेसिवनेस एंड एसर्टिवनेस एंड बिलीव इन अचीवमेंट. फेमिनिन कल्चर क्या करता है, बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड गिव मोर इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. मोनोक्रोनिक कल्चर क्या होता है, टाइम इज कंसिडर्ड टू बी प्रेसियस एंड टास्क आर डन इन ऑर्डर ऑफ अदर प्रायोरिटी. पॉलीक्रोमिक कल्चर क्या होता है, इट गिव लेस इम्पॉर्टेंट ऑफ टाइम एंड फॉलोड बाई डेवलपिंग नेशन. यूनिवर्सलिज्म कल्चर में क्या होता है, फोकसेस मोर ऑन द रूल्स देन अ रिलेशनशिप एंड देयर इज क्लोज एडहेरेंस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स. और पर्टिकुलरिज्म कल्चर में क्या होता है, इम्पॉर्टेंस इज गिव ऑन रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट रेदर देन फॉर्मल रूल्स. इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरिज्म
इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है, पीपल कंसिडर देम एज इंडिविजुअल, हैव पेशेंस एंड एम टू बिल्डिंग लास्टिंग रिलेशनशिप। कम्युनिटेरिज्म टेरियनिज्म में क्या होता है, कंसिडर दे एज पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रिपेयर्ड टू मेक क्विक डिसीजंस। नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल वर्सेज इमोशनल। नेचुरल में क्या होता है, इमोशनल आर हेल्ड इन चेक ऑल्दो दे रिस्पॉन्ड वार्मली टू द इमोशन ऑफ द अदर पार्टी। इमोशनल में क्या होता है, इमोशन आर ओपनली एक्सप्रेस, दे पुट एवरीथिंग इन राइटिंग। स्पेसिफिक एंड डिफ्यूज, स्पेसिफिक कल्चर में क्या होता है, पीपल आर ओपन वन एक्सट्रोवर्टेड, दे कीप वर्क लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ सेपरेट। डिफ्यूज कल्चर में क्या होता है, दे आर इनडायरेक्ट एंड इंट्रोवर्टेड, दे मिक्स वर्क लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ। अचीवमेंट और एस्क्रिप्शन में क्या होता है, अचीवमेंट में स्टेटस ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज परफॉर्मेंस। एस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिपेंड्स हु और व्हाट पर्सन इज। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसके डिफरेंस के, जो इंटरनेशनल बिजनेस में है कल्चरल का। तो ये कुछ चार पॉइंट्स हैं, इन चार पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो चार पॉइंट्स में हम लोग को यहाँ पे आ जाता है, रिलीजियस लैंग्वेज कल्चर्स इटीक्वेट्स। रिलीजियन जैसे कि हम लोग समझते हैं कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी आता है तो वो लोग रिलीजियस बिलीफ नहीं करता है, लेकिन उन लोग को ये रखना पड़ता है कि जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का रिलीजन अलग है, उन सभी के बारे में सोचकर उनको अपना प्रोडक्ट को तैयार करना होता है। फिर लैंग्वेज की, वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज उन लोग का कौन सा है, डोमेस्टिक लैंग्वेज कौन सा है, इनके बारे में जानना होता है। कलर्स कि वहाँ पे लोग कलर कौन सा ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं या फिर यूज़ करना पसंद करते हैं। वहाँ का डेथ, जब कोई डेथ होता है हिंदू में तो कौन सा कलर पहनते हैं, कोई मुस्लिम में डेथ होता है तब कौन सा कलर पहनते हैं, तो उनका कोई पूजा पाठ होता तो उसमें वो लोग कौन सा कलर पसंद करते हैं, ये सब होता है। फिर आता है एडिक्वेट्स, द वे पीपल ग्रीट ईच अदर डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, हगिंग एंड किसिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी जगह का अलग अलग कल्चर है, कहीं पे कोई हग करके अपना कल्चर दिखाता है, कोई किस करके कल्चर दिखाता है, कोई हैंडशेक करके अपना कल्चर दिखाता है, सब जगह का अलग अलग कल्चर है, ये हम लोग को बताता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।